जैसा कि अब आपको 29वीं तस्वीर भी दिखाती हूं, जहां पर अब तक इस पूरे मामले को लेकर के 24 उत्पातियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिन पर जांच पड़ताल लगातार हो रही है, पूछताछ हो रही है, और 40 लोग कुल इस हिंसा का शिकार भी हुए थे, उससे संबंधित ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोगों को अस्पताल में एडमिट भी कराना पड़ा था, जिसमें कुछ पुलिस के जवान भी शामिल थे जिन्हें चोट भी आई थी। इसके अलावा जो यहाँ पर सिविलियंस थे, जो हिंदू थे, उन्हें चोट पहुंचाया गया था और उन्हें भी एडमिट करने की नौबत आ गई थी। हिंसा से जुड़ा ये 29वां वीडियो इस वक्त जी हिंदुस्तान पर। और हिंसा से जुड़ी अब 30वीं तस्वीर आपको दिखाती हूं, इन उत्पातियों से अब कैसे पुलिस भी परेड करा रही है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आदेश दे चुके हैं कि एक्शन तो इन पर होगा, सख्त कार्रवाई होगी और इनकी संपत्ति को भी इसी तरीके से जमींदोज किया जाएगा और ऐसे वसूली की जाएगी, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई भी अब यहां कानपुर में संभव है। एक तरफ कानपुर की मेयर प्रमला पांडे भी पहुंची हुई थी शाम में यहां पर, जो लगातार आवाज बुलंद कर रही है, और वहीं दूसरी तरफ जब अब ये हिंसा भड़की, उसके बाद इन उत्पातियों पर किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, पुलिस कैसे इनकी परेड लगा रही है, उसकी ये 30वीं तस्वीर इस वक्त जी हिंदुस्तान पर। और मेरा राज्य मेरा देश में ग्राउंड जीरो से मेरे साथ फिलहाल इतना ही। जाते जाते पहले आपको अपडेट दिखा जाती हूँ, तस्वीरें आपको दिखा जाती हूँ। ये वो पुलिस चौकी है जहाँ अभी भी जो बाहरी पुलिस फोर्स है उसकी तैनाती है, यूपी पुलिस यहाँ पर तैनात है, और तमाम जो आला अधिकारी है वो भी देखिए यहाँ पर तैनात है। पूरे दिन की जो ड्यूटी रिपोर्ट है वो दी जा रही है, तहकीकात क्या कुछ हुई है, नाइट ड्यूटी डिप्लॉयमेंट को लेकर के भी यहाँ पर जो इनकी प्लानिंग है वो हो रही है। और इसी चौकी पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहाँ पर उत्पात हुआ भी था। स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, जाते जाते अपडेट तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाती हूँ। स्टूडियो से प्रत्यूष आपको दिखाएंगे राज्य की 10 क्या बड़ी खबरें हैं।